इतो मुड़ो करे पत्तो को सिद्ध गया बरा आ ध्यान को त्योहार दिन है। अरे थे इतना मोड़ा क्या आया थन था को नहीं आज त्योहार रदीन है सगड़ा ने राम राम कहना है चलो सगड़ा ने राम राम कहो। हाँ चलो 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 राम राम सा स्वागत है आप सब रो जिंगिंग लाइफ में। आज जिंगिंग लाइफ री पूरी टीम री तरफ से था सगड़ा ने दियाली री हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अरे सुनो बा ममता कियो कोने कियो सबने बधाई थी कोने दी चलो भीने तो कहो। हाँ चलो 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 हेलो एवरीवन वेलकम टू जिंगिंग लाइफ। आज दिवाली है तो आप सबको मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने दिवाली स्पेशल एक ब्लॉग बनाया है जिसमें मैंने मेरे राजस्थान की एक फेमस डिश जो कि हमेशा हम दीपावली या होली पे जरूर बनाते हैं तो वो भी मैंने शेयर की है। तो मेरे आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा ब्लॉग। ये हाफ के जी मैंने दलिया लिया है और ये आधी कटोरी मैंने घी लिया है। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में मैं ये घी डाल दूंगी। और हाफ के जी जो दलिया लिया है मैंने वो मैं आपको कटोरी से पूरा नाप के दिखा रही हूँ। तो ये वाली जो कटोरी है मैंने 1.5 कटोरी मैंने दलिया जो है वो लिया है। ये सिर्फ मैं आपको माप के लिए बता रही हूँ। वैसे ये हाफ के जी है। अब इसको मैं घी में अच्छे से भूनूंगी। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से अच्छे सी खुशबू ना आ जाए। तो करीब इसको भूनने में 3 से 4 मिनट लगेंगे। बिल्कुल मीडियम आंच पर हमें इसको भूनना है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं और बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आने लगी है। तो बस इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी कि ये मैंने थोड़ा पानी पहले से गर्म करके रखा है। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें गर्म पानी ही यूज़ करना है। तो जितना मैंने दलिया लिया ना उसके डबल हम इसमें पानी डालते हैं। लेकिन मैं गुड़ का दलिया बना रही हूँ इसके लिए मैं इसमें यानी 1.5 कटोरी मैंने दलिया लिया है तो मैं से 3 कटोरी पानी जाएगा इसमें। लेकिन मैं इसमें डालूंगी 2.5 कटोरी पानी। इससे हमारा दलिया जो है वो एकदम खिला खिला बनेगा। ये 1/2 कटोरी और
बस तो ये हो गया 2.5 कटोरी। बस मैं इसको अब अच्छे से मिला दूंगी और कुकर को बंद करके गैस पे एक सीटी लगा लेनी है, या इसे 10 मिनट तक आपको गैस पे मीडियम आंच पे इसको पकाना है और प्रेशर कुकर को वैसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं इस कुकर की गैस को निकाल लूंगी। अब हम दलिया हमारा चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, दलिया हमारा लगभग पक चुका है, यानी हल्का सा पकना बाकी है, और देखिए एकदम खिला खिला दलिया है हमारा। तो इस चीज पे मैं इसमें डालूंगी गुड़। तो मैंने जितना 1.5 कटोरी जो गुड़ लिया था ना दलिया, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कटोरी गुड़। आप चाहें तो मीठा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, ये मीडियम मीठा है, यानी ज्यादा ना ज्यादा मीठा रहेगा ना कम मीठा होगा। गुड़ को मैं इसमें अच्छे से मिला दूंगी। और ये थोड़ी सी केसर मैंने पानी में भिगो के रखी थी, तो ये केसर मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी फूड कलर और थोड़ा सा पानी इसमें डाल करके और ऐसे मिक्स करके इसमें डालना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इसमें कलर डालना है तो डालें, नहीं डालना तो अदरवाइज आप ऐसे भी रख सकते हो। ये 2 इलायची मैंने कूट के रखी थी, तो ये इलायची पाउडर, और साथ में इसमें जाएगा 1 स्पून सौंफ। आप चाहें तो इसमें कटा हुआ नारियल जो होता है वो भी डाल सकते हैं, सूखा नारियल डालना है, ये हमें ध्यान रखना है। इसमें सूखे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े आप इसमें डाल सकते हैं। बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और प्रेशर कुकर को इसमें बंद करके गैस पर हमें बिल्कुल स्लो करके हमें इसे 5 मिनट तक पकाना है, जब तक कि इसमें प्रेशर ना बन जाए। धीमी आंच रखनी है, बस ये हमें ध्यान रखना है। ये देखिए, चेक करते हैं, ये प्रेशर बन चुका है। तो बस इस स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे, और जब प्रेशर हमारा खत्म हो जाए प्रेशर कुकर में, तब हम कुकर को खोल लेंगे। अब देखिए, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, सारा गुड़ पिघल चुका है इसमें से, और एकदम खिली खिली जो है हमारा दलिया, यानी हमारे मारवाड़ी में इसको कहते हैं लापसी। हर होली दीपावली पे हमारे यहाँ ये लापसी जरूर बनती है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से काजू के टुकड़े, और थोड़े से मैंने बादाम कट करके रखे थे, तो थोड़े से बादाम मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब ये हमारे भगवान जी का भोग रेडी है। तो मैं भगवान जी का भोग, यानी हमारे यहाँ की जो लापसी है, राजस्थान की फेमस लापसी, वो भगवान जी को भोग लगाने के लिए तैयार है। ऊपर से मैं इसमें थोड़ा से ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर दूंगी। ये गुड़ से बनी हुई है तो बहुत हेल्दी है। आप चाहो तो इसे चीनी से भी बना सकते हो, लेकिन गुड़ से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो तैयार है हमारी ये राजस्थान की लापसी। तो किसो लागो थाने सगळा ने ओ जिंगिंग लाइफ रो व्लॉग। अगर आपने ओ जिंगिंग लाइफ रो व्लॉग अच्छो लागो तो जिंगिंग लाइफ ने सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो, और कमेंट जरूर कर बताया कि आपने ओ वीडियो किसो लागो। मैं मिला थानसो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।